बिजनौर में एक बार फिर से जमीनी विवाद को लेकर गोली चलने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि गोली एक युवक के लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि विवाद जमीन को लेकर हुआ था। पूरा मामला सामने आया है हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव गोयली जलालपुर में, जहां पर जमीनी विवाद के चलते पंचायत बैठी हुई थी। पंचायत के दौरान ही कहासुनी हुई और फिर एक पक्ष ने दूसरे के गोली मार दी। गोली चलने की खबर मिलते ही एसपी देहात मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू करते हुए गोली चलाने वालों की तलाश शुरू कर दी गई है। एसपी देहात ने बताया कि गोली लगे जख्मी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इसके अलावा अन्य घायलों को भी इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर, जमीनी विवाद में जो व्यक्ति घायल हुआ है, क्या देखिए, घनश्याम सिंह हैं और रहने वाले मंडौरा जट के रहने वाले हैं, हेमपुर दीपा थाने के। ये गगोल गांव में अपने जो है चचेरी बहन हैं, इनकी दो उनकी शादी हुई है, वहाँ आए हुए थे। कुछ ज़मीनी विवाद था परिवार के अन्य पटीदारों से, उसी में पंचायत चल रही। पंचायत में विवाद होने पर जो है गोली चली, जिसमें इनको गोली लगी है और एक दो लोग और घायल हैं, जिनको डंडे की चोट है। तो इनको वहाँ से जो है तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है और मौके पर पुलिस मौजूद है, छानबीन कर रही है और जैसे भी तहरीर देंगे और इसमें छानबीन में जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से तदनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर।